आज के लेक्चर में हमें एक्सप्लेन करना है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के ऑर्गेनिजम्स के अंदर फैटी एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है। प्लांट में भी और एनिमल्स के में भी दोनों में फैटी एसिड बायोसिंथेसिस होती है, बट इन केस ऑफ एनिमल बायोसिंथेसिस मोस्टली अकर इन साइटोसोल रीजन ऑफ सेल, बट इन केस ऑफ प्लांट दे आर मोस्टली अकर इन प्लास्टिड, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है या लीकोप्लास्ट है, मोस्टली वहां पे रिएक्शंस होते हैं और साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है और इन्होंने बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड करनी होती है। फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, कुछ चीजें चाहिए होते हैं जिनके बगैर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड नहीं हो सकती। एक इनमें एसिटाइल को एंजाइम ए इनके लिए चाहिए होता है, और आप लोग पढ़ चुके हैं जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक रिएक्शन होती थी जिसे आप लोग लिंक रिएक्शन कहते थे। उस लिंक रिएक्शन में पाइरूविक एसिड से जो है ना बनती थी एसिटाइल को एंजाइम ए। यानी कहने का मकसद यह है कि एसिटाइल को एंजाइम ए पाइरूविक एसिड से बनती है। पाइरूविक एसिड किधर से आती है? ग्लाइकोलेटिक पाथवे फॉलो होती है प्लांट के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस होके पाइरूविक एसिड बनती है, फिर लिंक रिएक्शन होता है और उस लिंक रिएक्शन के नतीजे में एसिटाइल को एंजाइम ए बनती है। इन एडीपीएच चाहिए होता है। हम पेंटोस फास्फेट पाथवे पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पेंटोस फास्फेट पाथवे एक एनएडीपीएच बनाने के लिए होता है, एक इनमें यह चीज भी थी क्यों, और हमने कहा था कि यह एनएडीपीएच फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में यूज होता है। सो ये इन एडीपीएच आता है, मैंने ट्रिपल पी लिखा है पेंटोस फास्फेट पाथवे, और एटीपी यह भी ग्लाइकोलाइसिस एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है। सो ये तीन रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस के लिए। एसिटाइल को एंजाइम ए, this is the structure of acetyl coenzyme A which is a 2 carbon containing compound. This acetyl coenzyme A reacts and here ATP is utilized and it will form melanyl coenzyme A. Here an enzyme, acetyl coenzyme A carboxylase are used. Acetyl coenzyme A carboxylase convert acetyl coenzyme A to melanyl coenzyme A. This is the structure of melanyl coenzyme A. Okay, it's melanyl coenzyme A. This melanyl coenzyme A is converted to by using ACP and convert into melanyls ACP. What is ACP? Acyl carrier protein या A mean acyl, C माने हैं carrier, P माने हैं protein. ये carrier protein है जो इस melanyl या acetyl को लेके जाते हैं, carrier proteins. So melanyl को enzyme A use ACP to convert into melanyl ACP. Melanyl ACP में वो कन्वर्ट होते हैं। दूसरे साइड पे यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं, ये भी ACP यूज करते हैं, एसाइल कैरियर प्रोटीन्स, और ये कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को एसिटाइल ACP में। दिस एसिटाइल ACP एंड मेलानाइल ACP both combines to form acetoacetyl acp. This acetoacetyl acetyl acp may be converted into beta hydroxy butyl acp.
these are the interconvertible. This acetoacetyl ACP used in ADPH and it is converted into hydroxyacyl ACP. फिर D3 ये कन्वर्ट होते हैं क्रोटोनाइल ACP में एंड दिस दे क्रोटोनाइल इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटाइल ACP में एंड दिस ब्यूटाइल ACP इज द रॉ मटेरियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड लॉन्ग चेन फैटी एसिड. यही जो ब्यूटाइल ACP है ये चेन रिएक्शंस करते हैं. ये चेन रिएक्शन कहां पे होते हैं? These chain reactions occur mostly in endoplasmic reticulum. और उनके जो reactions होते हैं उनके नतीजे में हमारे यहाँ बनती है mostly palmitic acid, which is a saturated amino acid. फिर यही palmitic acid endoplasmic reticulum में hydrogenase enzyme यूज करते हैं और उनसे बनता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट के केस में हमें ज्यादातर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए होते हैं बिकॉज प्लांट में जो ऑयल्स बनती हैं उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है एंड दीज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. इनके लिपिड्स यानी मींस ऑयल वहां पे जो उनके प्रेजेंट होती है. सो ये एक चेन रिएक्शंस होता है प्लांट के अंदर और इसमें बायोसिंथेसिस में फैटी एसिड्स बनती है. ये जो पाथवे है ये पाथवे मोस्ट ज्यादातर कॉमन है प्लांट और एनिमल्स के केस में बट लेकिन प्लांट में जो है ना अनसेचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए होते हैं जबकि एनिमल्स के केस में सेचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए होते हैं. तो मैं यहां पे रिवाइज करता हूं कि एसिटाइल को एंजाइम ए इन एडीपीएच एंड एटीपी दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड देन अ चेन रिएक्शन अकर इन द प्लास्टिड एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन फैटी एसिड्स. Acetyl coenzyme A, which is already synthesized in aerobic respiration. This acetyl coenzyme A carboxylase enzyme convert this acetyl coenzyme A into melanyl coenzyme A. Melanyl coenzyme A is converted into melanyl ACP, acyl carrier protein. इसी तरह acetyl coenzyme A, ACP, acetyl transferase से acetyl ACP में भी convert होते हैं. फिर ये कीटो एसाइल एसीपी सिंथेसाइज और मेलानाइल एसीपी को कंबाइन कर लेते हैं और इनसे बना लेता है एसीटो एसिटाइल एसीपी. ठीक है इन दिस एसीटो एसिटाइल एसीपी इज कन्वर्टेड इनटू D3 हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी. फिर क्रोटोनाइल एसीपी लास्ट में हमारे यहां बनता है ब्यूटाइल एसीपी. दिस ब्यूटाइल एसीपी is the material which are used for the different types of fatty acid synthesis and it will follow the chain reaction aur us chain reaction ke natije mein hamare haath different types of fatty acids bante hain aur fir wahi fatty acid unsaturation ke liye endoplasmic reticulum mein jate hain aur endoplasmic reticulum inko अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वही अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड में. चूंकि आपको पता है कि फैटी एसिड ओनली कार्बन नंबर हाइड्रोकार्बन इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं और इनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स बनते हैं एंड देन दैट फैटी एसिड आर यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस बाय प्लांट्स.